क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रही हूँ मैं, चैप्टर नंबर 5 सिंप्लीफिकेशन। लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक एक्सरसाइज 5.1। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवैल्यूएट ईच एक्सप्रेशन, यूज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन क्या है, वो ये है बी ओ डी एम ए एस, ये एक रूल है। ये क्या रूल है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स ऑफ एंड डी डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, ए एडिशन एंड एस सब्ट्रैक्शन। तो अब इस इन रूल्स को अप्लाई करना है हमने कुछ क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2। यहाँ इस रूल से हमें ये पता चलता है कि अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट्स आ रही हैं तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड लास्ट पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होगी। और अगर फर्स्ट कोई नहीं है, जैसे ब्रैकेट्स नहीं है, तो फिर आप डिवीजन चेक करना है, क्या डिवीजन आ रही है, फिर डिवीजन सबसे पहले सॉल्व होगी। अगर किसी एक्सप्रेशन में डिवीजन भी नहीं है तो फिर मल्टीप्लीकेशन देखिए, फिर मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगी, अगर मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है तो फिर एडिशन सॉल्व होगी एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। सबसे फर्स्ट है 16 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2। हमने इसमें देखा दो ऑपरेशन है, मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। तो मल्टीप्लीकेशन जो कि हायर ऑर्डर है, इसे हमने पहले सॉल्व करना होगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 64 होता है, प्लस 2 64 प्लस 2 66। तो फिर ये 66 जो है वो इसको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट मिला है हमें। नेक्स्ट है 25 माइनस 12 डिवाइड बाय 4। इन ऑपरेशन पे सब्ट्रैक्शन आ रहा है और डिवीजन आ रही है, क्योंकि डिवीजन जो है वो एक हायर ऑर्डर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 का टेबल पढ़े 4 3 12, या 12 को 4 पर डिवाइड करें तो रिजल्ट मिलेगा 3, फिर 25 माइनस 3 22, तो 22 जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है 24 प्लस 63 डिवाइड्स बाय इंटू 81 डिवाइड बाय 9। तो ये ब्रैकेट्स भी यहाँ आ रही हैं और डिवीजन भी आ रहा है, सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स ही सॉल्व करनी है। 81 पर डिवाइड करें 9 पर, तो आंसर आ गया 9। फिर देखें तो प्लस और डिवाइड इसके सिंबल आ रहे हैं, तो डिवीजन पहले सॉल्व होगी, 63 को 9 पर डिवाइड करें 7, फिर 24 और 7 को ऐड करें 31। नेक्स्ट है 4 16 माइनस 8 माइनस 4, तो 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 जो है वो 4 होता है, तो आपके पास 4 लिख लें। नेक्स्ट है 5 60 माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ पर जो हायर ऑर्डर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन है, 7 मल्टीप्लाई बाई 8 56, फिर 60 माइनस 56 4। नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई बाई इंटू 2 माइनस 3, तो ये सब्ट्रैक्शन तो आ रही है बट यहाँ ब्रैकेट्स भी यूज की गई, तो ब्रैकेट्स आ रही है जिससे सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाएगी, 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर 7 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 माइनस 7। नेक्स्ट है 81 डिवाइड बाई 9 माइनस 0, तो अब आपने क्या करना है, आप इनमें जो है वो डिवीजन भी सॉल्व हो सकती है, यहाँ पर 9 माइनस 9 0, तो 81 डिवाइड बाई 0 0। नेक्स्ट है 19 प्लस 58 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर चूंकि ब्रैकेट्स यहाँ यूज की गई है इसलिए हम 19 प्लस 58 इसको सॉल्व करेंगे, 77 हो जाएगा, 77 डिवाइड बाई 7 इस तरीके से राइट कर सकते हैं। देन जो है 77 को 7 पर डिवाइड किया जाएगा तो 11 इसका आंसर है। ओके, देखिए कुछ सिंपल से एडिशन के और मल्टीप्लिकेशन के रूल थे जो हमने आज पढ़े हैं। ओके, जी लेक्चर कंप्लीट हो गया है, अल्लाह हाफिज़।